खबर रीवा जिले से है, जहां अगस्त क्रांति मंच की विकास धोड़ो पदयात्रा आज 8वें दिन नई गढ़ी जनपद के खर्रा ग्राम पहुंची, जहां अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने बात की। तो अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि हम 200 गांव से ज्यादा की पदयात्रा 8 दिन में कर चुके हैं। जहां भी जाते हैं वहीं भ्रष्टाचार की नई नई गाथाएं देखने को मिलती हैं। स्थितियां बहुत खराब हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला देखने को मिलता है। भ्रष्टाचारियों का एक संगठित गिरोह सक्रिय है। हमारी यात्रा 30 तारीख को नई गढ़ी में एक विशाल आंदोलन के साथ पूरी होगी। उसमें लोग इस पदयात्रा में ढूंढे गए विकास को डिस्प्ले करेंगे और संबंधित अधिकारियों से टीम गठित कर जांच कराए जाने की मांग करेंगे। अगर पूर्व में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, ईमानदारी से पूरी राशि की वसूली हो जाए तो नई गढ़ी में किसी नई विकास करने के लिए अलग से राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी और नई गढ़ी जनपद प्रदेश का स्वर्णिम जनपद होगा। आज की आज विकास धोड़ो पदयात्रा में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, जिलाध्यक्ष प्रशांत उपाध्याय, जेपी तिवारी, वेंकटेश तिवारी, प्रियेश पांडे, जनपद सदस्य राधे कुशवाहा, राज राखन पटेल, अनिल पांडे, राम प्रताप द्विवेदी, संतोष प्रजापति, ठाकुर सोमेश्वर सिंह, शासकीय महाविद्यालय नई गढ़ी के अगस्त क्रांति मंच छात्र इकाई के अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष सचिन शुक्ला, सोशल मीडिया प्रभारी युवराज सिंह सहित महाविद्यालय के छात्र, ग्रामीण जनों सहित सैकड़ों अगस्त क्रांति मंच के क्रांतिकारी शामिल रहे। अगस्त क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगस्त क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगस्त क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको धन्यवाद, आप आके इस यात्रा को कवर किए हैं। 40 पंचायत और 200 से ज्यादा गांव की यात्रा हुई। क्या दिखा? कल्पना से परे था। धन्यवाद है ऐसे साथियों का जो निरंतर साथ चल रहे हैं। कई जनपद सदस्य चल रहे हैं, कॉलेज के छात्र चल रहे हैं, युवा बेरोजगार चल रहे हैं और ललक है विकास की, विकास मिल नहीं रहा। आप सोचिए कि भगवान के नाम पे बात करने वाले, जहाँ भगवान के लिए बनने वाले चबूतरे थे वहाँ भ्रष्टाचार है, वो बने नहीं, अधूरे पड़े हैं। तालाब, पुष्कर सरोवर, अमृत सरोवर, इनके नाम में भ्रष्टाचार है। पीसीसी रोड और नाली के नाम पे व्यापक भ्रष्टाचार है। पेवर ब्लॉक जो लगने थे, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, पंचायत भवन हो, उनके नाम पे, बाउंड्री के नाम पे भ्रष्टाचार। और आती तो तब हो गई है जब आवास के नाम पे पैसे मांगे गए, पैसे न देने पे कई जगह ऐसा हुआ है कि हितग्राहियों को मृत घोषित कर दिया गया है। या जो गरीब है, पन्नी छा के रह रहे हैं, उनके घर में दिखा दिया गया है कि 8 कमरे के पक्के मकान 4 कमरे के। चाहे घटना इटौरा की रही हो, चाहे उमरिया की रही हो, अभी खर्रा गए थे, खर्रा में भी लोगों ने कहा है कि हमसे पैसे की मांग की जाती है किस्त देने के नाम पे। लूट ऐसी हुई है कि एक दो उदाहरण बताएं आपको। कल त्रिवेणीगमा मनबोध में देखा कि जो हमारे सांसद महोदय स्वच्छता की बात करते हैं, उनके द्वारा शांति धाम के नाम पे 14 लाख रुपए राशि दी गई थी। उस राशि पे भी स्वच्छता अभियान चल गया, 10 लाख निकल गए, लेकिन कहीं एक ईंटा तक नहीं रखा गया। मनकहरी का शांति धाम गायब है, तक में पैसे डाले गए। जो खेत सड़क है, आपकी मेड़ बंधान और खेत तालाब, इनमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर ईमानदारी से कोई एजेंसी हो, जो ईमानदारी से हिंदुस्तान में काम करती हो, नई गढ़ी जनपद की ईमानदारी से जांच करके रिकवरी कर दी जाए, तो हमारी जनपद की पंचायतों को नई राशि की जरूरत ही नहीं है। लगभग ज़्यादातर ऐसी पंचायतें हैं जहाँ 80 से 90 लाख, 1-1 करोड़ रुपये रिकवरी में आएंगे। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.